जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार बीसीसीआई ने घोषित की भारतीय खिलाड़ियों की नई सैलरी लिस्ट। देखें पूरी लिस्ट। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी लिस्ट में क्या बड़ा बदलाव किया है और किस खिलाड़ी को अब कितनी सैलरी मिल रही है उस दौर में जब कोई भी क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला जा रहा है। तो इसमें जानेंगे इसी पूरी खबर के बारे में। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो ये होगी कि इस महामारी के बीच आईपीएल 2020 को लेकर सामने आई एक बहुत बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह लीजिए एक निकल कर आ रही है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, अगर ऐसा हुआ तो बिना दर्शकों के खेले जाएंगे क्रिकेट मैच, खाली रहेगा पूरा स्टेडियम। तो इसको लेकर भी पूरी खबर जानेंगे कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। तो आप सभी बने रहिएगा। और वहीं दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल ही में अभी एक महामारी ने अपने पैर पूरे भारत में पसार रखे हैं। तो वहीं बात करें भारत की तो भारत में इस महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि हम सभी डेली आंकड़ों के बेसिस पे देखते हैं कि आखिरकार कितने मामले बढ़ रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन 500 से ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों तक तो क्रिकेट मैच दूर तक कतई नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बीसीसीआई को भी बड़े नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। जैसे कि एक क्रिकेट मैच न होने की वजह से जितना नुकसान बीसीसीआई को झेलना पड़ता है तो उससे 2 गुना नुकसान उन्हें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल आईपीएल के भी मुकाबले नहीं हो रहे हैं और ना ही कोई लीग वगैरह सीरीज वगैरह भारतीय टीम खेल रही है, जिसके चलते सभी खिलाड़ी अपने घर पर बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने नई सैलरी लिस्ट भारतीय टीम की जारी की है। जी हां दोस्तों, इस सैलरी लिस्ट में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अब बीसीसीआई कितने रुपए सब खिलाड़ियों को देने वाला है। और वहीं यहाँ पर हम आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये जो सैलरी लिस्ट है वो ग्रेड के आधार पर बटी हुई होती है, जहाँ पर A+ ग्रेड होता है, A ग्रेड होता है, B ग्रेड होता है और C ग्रेड होता है। तो आइए चलिए अब बात करते हैं कि ग्रेड C के जो खिलाड़ी हैं उनमें कौन कौन से खिलाड़ी और किनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिस्ट में देख पा रहे होंगे ग्रेड C में जो खिलाड़ी हैं उसमें केदार जाधव, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, मनीष पांडे, हनुमा विहारी, शार्दुल ठाकुर, सुरेश अय्यर और वॉशिंगटन सुंदर का नाम आता है, जिन्हें 1-1 करोड़ रुपए अब दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ बड़े खिलाड़ियों के नाम ऐड किए गए हैं, जैसे की आप सब यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि पहले जो ग्रेड C में खिलाड़ी थे वो काफी कम हुआ करते थे। तो वहीं अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ग्रेड B लिस्ट के बारे में। तो जैसे की आप सब यहाँ पर ग्रेड B में देख पा रहे होंगे तो ग्रेड B में जो खिलाड़ी आते हैं उसमें रिद्धिमन साहा, उमेश यादव, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और मयंक अग्रवाल का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि ग्रेड B में मात्र 5-6 खिलाड़ी अब रखे गए हैं, क्योंकि बीसीसीआई को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके चलते तब ग्रेड B वाले खिलाड़ियों को 3-3 करोड़ बीसीसीआई दे रही है। बाकी आप यहाँ पे लिस्ट में सभी के नाम देख सकते हो कि आखिरकार कौन कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं ग्रेड A के खिलाड़ियों के बारे में। तो वही ग्रेड A में जो नाम निकल कर आता है उसमें जो शामिल है वो है रविंद्र चंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत। तो यहाँ पर दोस्तों काफी कुछ बड़े नाम हम सभी को अब ग्रेड A में देखने के लिए मिल रहे हैं और ग्रेड A वाले खिलाड़ियों को अब बीसीसीआई 5-5 करोड़ रुपए देगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं A+ ग्रेड के बारे में। तो A+ ग्रेड में जो खिलाड़ी आते हैं वो हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पर 3 ही खिलाड़ी मात्र ग्रेड A+ में रखे गए हैं, जिन्हें 7-7 करोड़ रुपए बीसीसीआई अब देगी। इसमें दोस्तों इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किस खिलाड़ी को ज्यादा रकम मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि इस महामारी के बीच आईपीएल 2020 को लेकर सामने आ रही है एक बहुत बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जैसे की आप सभी को पता है की आईपीएल जो की 29 मार्च से चालू होने वाला था उसकी तारीख को बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया। तो इस बीच क्रिकेटर्स भी अब ये कह चुके हैं की आईपीएल से ज्यादा जरूरी है लोगों की जिंदगी। तो ऐसे में अब दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है कि ऐसी परिस्थितियों में बीसीसीआई लगातार विदेशी क्रिकेट बोर्ड से संपर्क बनाए हुए हैं। और वहीं बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य सभी विदेशी बोर्ड को भी मौजूदा स्थिति और सरकार के निर्देश से लगातार अवगत कराया गया है। तो वही बीसीसीआई अब अक्टूबर से नवम्बर के विंडो में आईपीएल को कराने की सोच रहा है, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आईसीसी इस साल के अंत में होने वाली T20 विश्व कप को स्थगित करने के बारे में सोचे, क्योंकि T20 विश्व कप का आयोजन भी अक्टूबर से नवंबर के बीच में होना है, तो ऐसे में अगर T20 विश्व कप अगर निलंबित होता है तो IPL शायद ही मुश्किल होगा करवाना। तो ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि IPL करवाना चाहिए इस साल या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, अगर ऐसा हुआ तो बिना दर्शक के ही खेले जाएंगे क्रिकेट मैच, खाली रहेगा पूरा स्टेडियम। जी हां दोस्तों, ये जो बात है वो लैंगर ने कही है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम में बिना दर्शकों के क्रिकेट शुरू होने से प्रशंसकों को घर बैठे ही खेल का लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा। तो वहीं लैंगर ने BBC रेडियो से ये भी कहा है कि जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तब आप आयु वर्ग के खेलते हैं, तो वहाँ कोई दर्शक नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि जो खेल है आपको उससे प्यार होना चाहिए, भले ही मैदान पर दर्शक हो या फिर नहीं, आपको वैसा ही खेलना है जैसा कि सभी खेलते आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों लैंगर के अनुसार क्रिकेट मैच जो है वो खाली स्टेडियम में कराए जाएं, जिसके चलते जो फैंस का मनोरंजन है वो जरूर होता रहे। लेकिन आप इनकी बात से कितना सहमत हो, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी पूरे भारत देश में क्या हाल चल रहा है, जहाँ पर पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति हो रखी है। तो वही हम आपको बताएं कि इस महामारी ने इतना बड़ा रूप ले लिया है जिसको लेकर सभी परेशान है। तो वही अभी हम ताजा आंकड़ों के बारे में आपको बताएं तो ताजा आंकड़े कहते हैं वर्डोमीटर के हिसाब से, उसमें आप देख सकते हैं कि संक्रमित इससे हो चुके हैं और वहीं 60,000 के लगभग लोगों की मृत्यु इस महामारी ने बड़ा रूप ले लिया है। और पूरी दुनिया में इस महामारी का प्रकोप इस तरह से छाया हुआ है कि अभी इस महामारी के चलते इन दिनों देश में काफी तालाबंदी चल रही है। तो वही हम आपको बताएं कि इस महामारी से खेलने के लिए हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को 21 दिन के लिए तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन कर दिया था। तो जिसके चलते हम सब और हम बात करें भारतीय खिलाड़ियों की, तो भारतीय खिलाड़ी भी अपने अपने परिवारों के साथ अपना वक्त बिता रहे हैं। तो ऐसे में इस महामारी से लड़ने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से सभी को दान देने के लिए अपील भी की थी। जैसा कि आप सभी को याद होगा तो काफी कुछ बड़े बड़े दिग्गजों ने बड़े बड़े दान दिए, जैसा कि आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं कि जो दान लिस्ट में टॉप 10 जो क्रिकेटर थे उसमें 10वें नंबर पर पूनम यादव का नाम आता है जिन्होंने 2 लाख रुपए दिए थे। फिर मिताली राज आती है 10 लाख रुपए जिन्होंने दिए, और वहीं 7वें नंबर पर ईशांत शर्मा जिन्होंने 20 लाख रुपए दिए। वहीं 8वें नंबर पर सौरव गांगुली 50 लाख रुपए देने के बाद 6ठे नंबर पर सुरेश रैना 52 लाख रुपए जिन्होंने दिए थे, और वहीं सचिन तेंदुलकर ने 50 लाख रुपए दिए थे, रोहित शर्मा ने 80 लाख रुपए, गौतम गंभीर ने 1.5 करोड़ और विराट कोहली ने 3 करोड़ देकर जिन अभिनेताओं ने भी दान दिया अपनी तरफ से। कुछ खिलाड़ियों ने गुप्त दान देने का ऐलान किया, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों ने अपनी रकम भी, संकट की घड़ी में हर कोई अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ दान कर रहा है। तो वहीं कुछ ने करोड़ों में दान किया है तो कुछ ने लाखों में। लेकिन दोस्तों बात यही नहीं है, इस संक्रमण को रोकने के लिए भारत में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान किया है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि मुकेश अंबानी जी ने 500 करोड़ देने का ऐलान किया था, तो वहीं रतन टाटा ने 1500 करोड़ देने का ऐलान किया था, और अक्षय कुमार ने अपनी तरफ से 25 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। तो वहीं उद्योगपति को अगर हम निकाल दें तो 25 करोड़ रुपए का दान यानी कि खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार के नाम पर जाता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये खबर निकल कर आई है कि इनसे भी बड़ा दान एक व्यक्ति ने दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप सब भी इस व्यक्ति को जानते हैं, ये है शाहरुख खान जिन्होंने अपनी तरफ से 70 करोड़ रुपए का दान भारत सरकार को दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर निकल कर आ रही है कि अक्षय कुमार के 25 करोड़ के दान के बाद 70 करोड़ का सबसे बड़ा दान शाहरुख खान ने ही किया है। तो वहीं हम आपको बताएं कि शाहरुख खान ने ये डोनेशन से सभी का दिल जीत लिया है। तो वहीं कि शाहरुख खान की कंपनियां कोलकाता नाइट राइडर्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, मीर फाउंडेशन और रेड चिलीज VFX ने मिलकर PM मोदी केयर फंड में डोनेट किया। इसके साथ ही वह महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी दान करेंगे, और वहीं इसी के साथ हेल्थ वर्कर्स के लिए भी वो दान करेंगे, इस महामारी से पीड़ित लोगों के लिए भी दान करेंगे, और दिहाड़ी मजदूर और तमाम लोगों को मदद पहुंचाने का भी उन्होंने जिम्मा उठाया है। बाकी आप यहाँ पे उनके ट्वीट वगैरह भी देख सकते हो, और इन सभी चीजों को मिलाकर 70 करोड़ रुपए निकलते हैं कि शाहरुख खान ने दान में दिए हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, 70 करोड़ का दान शाहरुख खान के लिए बड़ी बात है या फिर नहीं, या फिर उन्हें और ज्यादा दान देना चाहिए था? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि जुलाई अगस्त में होगा IPL, स्टेडियम में फैंस नहीं देख सकेंगे मैच। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी का असर खेल जगत पर काफी देखने के लिए मिल रहा है। तो वही मैदान शून्य हो गए हैं, भारत में भी दिन प्रतिदिन इस महामारी का तेजी से असर दिख रहा है। तो जिस वजह से IPL के 13वें सीजन को 15 अप्रैल तक टाल दिया गया था, लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि जुलाई से अगस्त के बीच में इस मुकाबले को किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि केविन पीटरसन से काफी लोगों ने पूछा कि आखिरकार IPL कब से हो रहा है, तो उन्होंने इसी बात का जवाब देते हुए कहा कि जुलाई से अगस्त में किया जा सकता है इस IPL के मुकाबले को। दिखाएगी ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको देश दुनिया की तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।